देशभर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग प्रयागराज, वाराणसी समेत तमाम जगहों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खिचड़ी चढ़ाई, पूजा अर्चना उन्होंने की। आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख रहे हैं, जिन्होंने पूजा अर्चना की और खिचड़ी भी चढ़ाई। और आज के दिन खिचड़ी चढ़ाने की मान्यता है। खिचड़ी खाने से भी काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का आज त्यौहार और चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। खिचड़ी का चढ़ावा आज खास इसकी मान्यता है। योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर जगह उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। मंदिरों में पहुँच रहे लोग और पावन नदियों में डुबकी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। काफी सर्द मौसम है, लेकिन फिर भी उत्साह में लोगों की कमी नहीं। देखिए, ठंड पर आस्था भारी है और देवाधिदेव महादेव की नगरी है काशी, पर इस समय आराधना हो रही है भगवान भास्कर की। ऐसा इसलिए है क्योंकि मकर संक्रांति का त्यौहार है और आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं, और यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त से यहां पर गंगा स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, खरमास खत्म हो रहा है, यानी कि जो मांगलिक और शुभ कार्य रुके हुए थे, अब वो आज से वो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। और यही कारण है कि मकर संक्रांति का दिन खास तौर पर लोग जो पौराणिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार मनाना चाहते हैं। और मान्यताओं के अनुसार आज गंगा स्नान करना, यानी कि पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना और पूजन करना सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। और यही कारण है कि जहां एक तरफ वाराणसी में गंगा स्नान कर रहे हैं लोग, तो दूसरी तरफ माँ गंगा की आरती और भगवान भास्कर की आरती करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज तिल के दान, खिचड़ी के दान और अन्न दान का खास महत्व होता है। इसके पीछे मान्यताओं के अनुसार है कि अगर आप आज तिल और अन्न का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, तो घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती और साल भर यानी कि अगले मकर संक्रांति तक जो बरकत है वो बनी रहती है। और यही कारण है कि इन धार्मिक मान्यताओं को आगे रखते हुए लोग आज वाराणसी के आधारसमित घाट पे हजारों की संख्या में मौजूद है। दूर दूर से आए हुए लोग हैं जो आज यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। एक मान्यता इसके अलावा और भी है कि जो लोग प्रयाग नहीं जा पाते, प्रयाग राज नहीं का रुख नहीं कर पाते, वो अगर वाराणसी के आधारसमित तीर्थ पर यहाँ पर स्नान करते हैं तो उन्हें वही फल प्राप्त होता है, और इसीलिए आज यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है। गंगा में डुबकी का खास महत्व। सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए।